हापुड़ में तैनात लेखपाल ने किया किशोरी का अपहरण। नमस्कार, मैं हूं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल हापुड़ हलचल। खास खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। गढ़ मुक्तेश्वर से खबर है। सिंभावली क्षेत्र के एक गाँव से हापुड़ में तैनात लेखपाल ने किशोरी का अपहरण कर लिया, लेकिन ग्रामीणों ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया है। सिंभावली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी है, जिसका कहना है कि बुधवार की रात गांव में पड़ोसी के घेर में मां भगवती का जागरण था, जिसमें शामिल होने के लिए वहां अपनी पत्नी व बेटी के साथ गया हुआ था। पीड़ित ने बताया कि रात करीब 12 बजे उसकी 15 वर्षीय बेटी जागरण से घर जा रही थी। इसी दौरान कार सवार एक युवक ने उसकी बेटी को रास्ते में रोक लिया, जिसने जबरन उसकी बेटी को कार में बैठा लिया और अपहरण कर ले जाने लगा। इसी दौरान गाँव के कुछ लोगों ने उसे देख लिया और शोर मचा दिया। पीड़ित का कहना है कि शोर सुनकर वह अन्य ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचा तो घटना का पता चला, जिसके बाद वाहनों से पीछा कर आरोपी युवक की कार को रामपुरा नहर के पास ग्रामीणों ने घेराबंदी कर रुकवा लिया, जिन्होंने उसकी बेटी को छुड़ाकर आरोपी को पकड़ लिया और 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान भी आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। सीओ पवन कुमार ने बताया कि थाने में लाकर की गई पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम आदित्य निवासी कृष्णा विहार मेरठ रोड हापुड़ बताया, जो की हापुड़ में ही लेखपाल है और वर्तमान में दादायरा गांव में तैनात है। आरोपी के खिलाफ अपहरण व जान से मारने की धमकी देने की धारा के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसे अग्रिम कार्यवाही के लिए न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसी तरह की खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।